हेलो स्टूडेंट्स मानी शर्मा योर एजुकेटर आई वॉर्मलीट अन यूट्यूब एजुकेशन हम एनालिसिस करेंगे ऑफ द क्वेश्चंस जो कि एन जून 2024 की शिफ्ट वन में फ्रॉम हायर यूनिट आर आस्ट राइट सो मेक श्योर दो तरीके से वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्स स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम दे के आए हैं दे कैन चेक वेदर दे हैव इट राइटली और रॉन्गली टाइम स्टूडेंट्स कैन डू जो कि दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे कैन चेक और एनालाइज देयर ओन यू नो सिचुएशन राइट नाउ एज इन वेयर आर देयर वीकर पॉइंट्स कहाँ पे वो अच्छा कर रहे हैं किस लेवल के तरीके से दे आर स्टडिंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट सो विदाउट एनी फर्दर डू Make sure that you are keeping your notebooks handy and noting the answers as well as some new sort of information that you find in the video. So, let's look at the first question without any further ado. The first question is identify the correct sequence of the following research organizations according to their year of establishment. So you are supposed to, uh, you know, make sure that in research organizations ko chronologically arranged. You can pause your video here and also make sure to try karo, at least give it a try to arrange these in a chronological sequence. The right answer to this question is option C: that is EA. DCB. So, E that is Indian Institute of Advanced Study that was established in the year 1965. Then we have A Indian Council of Social Science Research 1969. Then we have D Indian Council for Historical Research in the year 1972. Then we have Indian Council for Philosophical Research, that is 1977, and then B, National Council for Rural Institutes in the year 1995. So, if you try to arrange it in a particular sequence, you will get the answer as E, A, D, C, B, that is 65, 69, 72, 77, and then 95, right? So, it's option C. Next question. the second five year plan for implementation included the recommendations of the following to pichle 2023 mein bhi bahut sare five year plans ki baat hui hui thi right even if we try to talk about the first question jo humne discuss kara that has been discussed in the class along with मैंने आपको बोला था कि उनके recent chairmen कौन हैं, उनको भी class में prepare कराया था। तो i hope the students who have paid for the examination उनका वो आंसर जो है करेक्ट गया होगा नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट आई वाज ट्राइंग टू पुट ऑन पिछले 2023 दिसंबर में भी फर्स्ट फाइव ईयर प्लान सेकेंड फाइव ईयर प्लान में से एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन थे और इस दफा भी वी आर इन द फर्स्ट शिफ्ट दैट देर आर क्वेश्चन विच वर फ्रॉम द सेकेंड फाइव ईयर प्लान सो ट्राई टू एनालाइज एंड ट्राई टू लुक फॉर दर राइट आंसर इज ऑप्शन सी हि पहले तो सेकेंड फाइव ईयर प्लान वॉज फ्रॉम दर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटी वन और इसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ये तो राधा कृष्णन कमीशन है विच केम इन दर नाइनटीन फोर्टी एट सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नहीं आएगी लैंग्वेज कमीशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट लैंग्वेज इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड हियर इन सेकेंड फाइव ईयर प्लान फॉर एजुकेशन बट हाँ इसमें ये बात जरूर करी गई है कि रूरल हायर एजुकेशन कमिटी यू नो एस्टेब्लिश करी जाएगी ताकि रूरल एरियाज में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाए कमिटी ऑन द दब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी थ्री डिग्री कोर्स कमिटी ताकि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट सेट हो जाए दैट डिग्री जो हैं वो के ठीक है सो सी डी एंड ई दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर विच आर द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन इन इंडिया दिस ऑल्सो वी हैव एंड दिस इज अ वेरी बेसिक एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड इनमें से कौन सी कमीशन जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस में पहली कमीशन थी वट डू थिंक इज द राइट आंसर हियर द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन अगेन इज ऑप्शन सी हियर दैट इज इंडिया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जिसको एक और नाम से राधा कृष्णन डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन भी बोला जाता है कब आई थी इन दर नाइनटीन फोर्टीन फोर्टी से राइट आंसर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं फोर्सेस फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रैड एजुकेशन नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रैड एजुकेशन वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू रीड इट नाइसली एंड यू रीड एंड एनालाइज इट इन अ नाइसर वे स्मार्टली इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कोर्डिनेटर है जो स्वयं कोर्सेस चलाती है फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेड एजुकेशन

So, here are the treaties written by ancient people, right? Ancient education may say there are certain scholars who have written these treaties, and in authors, yani ki writers ke saath, you are supposed to match them up. So, what do you think is the right answer here? Let's just try to match them up, starting from the easiest. We know that Chanakya ne Arthashastra right? So D is to one, D is to one, भी है बी में भी है न्याय सूत्रास अगर आपने इंडियन लॉजिक पढ़ा होगा तो न्यायिज्म या न्याय लॉजिक के बारे में पढ़ा होगा तो यू नो दैट दी आंसर वुड बी गौतम राइट देन वी हैव योग सूत्रास अगेन इजी पतंजलि एंड देन ऑप्शन ए ही बचा है दैट इज लीलावती विच मेक्स इट ए इज टू फोर बी इज टू थ्री एस टू फोर बी इज टू थ्री सी टू टू एंड डी इज टू वन ऑप्शन ए इज योर

or on the other hand they were also pushing their own selves to study a little bit more than their competition they would have definitely cracked this particular sort of questions right so with this I come to the end of the video with the analysis of the higher education ke jo 18th June shift 1 ke questions se. Aise I will be bringing forward questions related to other units of research aptitude comprehension and ICT so on and so forth. Thank you so much for listening. Have a good day. Bye bye.